हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए जो हम न्यूज़ लेकर आए हैं वो एडवोकेट नरेंद्र जोशी के द्वारा जो इस वक्त निवेशकों के हितों में कार्य चल रहा है, दोस्तों आज हम उसके बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारी चैनल पर बने रहें ताकि पूरी खबर आपको पता चल सके कि नरेंद्र जोशी जी इस वक्त अपने हकों के लिए किस तरीके से निवेशकों का साथ दे रहे हैं और किस तरीके से निवेशकों को पैसे दिलाने की एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर लगे हुए हैं। दोस्तों, ये उनका कार्य बहुत सराहनीय है। आइए पढ़ते हैं कि पूरी रिपोर्ट इस वक्त हमारे सामने जो है वो क्या है। पत्र के माध्यम से एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने माननीय रजिस्ट्रार साहब से निवेदन किया है कि वह अपने अमूल्य समय में मात्र एक घंटे का समय उन्हें दे दें, क्योंकि कई ऐसे सवाल निवेशकों के हैं जिनका जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहा है और इसी कारण पूरे देश में असंतोष व्याप्त है। और पारदर्शिता के रूप में एडवोकेट नरेंद्र जोशी द्वारा पत्र में अंकित किया गया है कि रजिस्ट्रार साहब एवं उप रजिस्ट्रार साहब मीडिया के समक्ष 35 लाख निवेशकों के हितार्थ जन संवाद के रूप में अपनी उपस्थिति देने और निवेशकों के मन में उमड़ रहे सवालों का जवाब देने, जिससे निवेशकों को संतुष्टि प्राप्त हो। एडवोकेट जोशी द्वारा 35 लाख निवेशकों की ओर से अनुरोध रजिस्ट्रार साहब से अनुरोध किया कि वह निवेशकों की ओर से अनुरोधित पत्र को अन्यथा न लेते हुए 35 लाख निवेशकों के हित में दिनांक 25 दिसंबर से 30 दिसंबर 2019 के मध्य रजिस्ट्रार साहब की सुविधानुसार समय एवं स्थान जहां पर चाहें एडवोकेट जोशी उपस्थिति प्रदान करेंगे और उक्त जन संवाद लाइव बीटेक में विभिन्न क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 100 से अधिक निवेशक भी उपस्थित रहेंगे, ताकि भारत में 35 लाख लोगों को सरकार की आगामी कार्रवाई की जानकारी मिल सके। एडवोकेट जोशी ने बताया कि पीड़ित निवेशकों के हितार्थ वह जन संवाद इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के समक्ष करना चाहते हैं, ताकि हुई जन संवाद चर्चा से आम जनता को राहत मिल सके और उनके सवालों का जवाब मिल पाए कि आखिर राजस्थान सरकार की प्रतिबद्ध है और प्रत्येक उस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की राशि दिलाने को चाहे वह व्यक्ति राजस्थान का हो या भारत के किसी भी राज्य का ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है और आपको आगाह किया जा रहा है कि इस वक्त नरेंद्र जोशी जी ने जो निवेशकों के हितों के लिए ये कदम बढ़ाया है, ये सराहनीय कदम है। दोस्तों, ऐसे इंसान बहुत कम देखने को मिलते हैं जो लोगों के हितों के लिए आवाज़ उठाते हैं और एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। जय